જનમંચ સત્યનો અવાજ દમણની લોકપ્રિય અને પ્રખ્યાત ન્યૂઝ ચેનલે 9 મહિનામાં 12 લાખ પ્લસ વ્યૂઝ પાર કરી નંબર 1નું સ્થાન યથાવત રાખ્યું છે, જેમાં દર્શક મિત્રોનો મોટો સિંહ ફાળો રહ્યો છે. આભાર. અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો. જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલ તથા રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ગુજરાતી હિન્દી અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414. ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની રમણ, દમણ. આદરણીય શ્રી ગોપાલભાઈ ખંડેલજી, અમારા મિત્ર પ્રિય સાંસદ દમનદીપ લાલુભાઈ પટેલજી, દાદરનગર હવેલી કે અરવિંદ, માની સાંસદ નાથુભાઈ પટેલજી, પ્રદેશ કે મહાસચિવ વાસુભાઈ પટેલજી, સોપનભાઈ પીઠાનીજી, નગરપાલિકા ભાઈ માન્ય અધ્યક્ષ, સંગઠન મંત્રી ભાઈ વિવેકજી, સમનદીપ કે ઓર યહાં ઉપસ્થિત પાર્ટી કે સભી પૂર્વ અધ્યક્ષ અન પાર્ટી કે પદાધિકારીગણ, મહિલા કે મુખ્યા કે માન્ય અધ્યક્ષ સભી ભાઈ, યે આપકે યહાં મેં પહેલી દફા આયા और आने की इच्छा तो बहुत पहले से थी, मगर नहीं आ पा रहा था. मगर मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें और हमारे विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो दिया और एक बड़ा दायित्व है नगर विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का. देश की आबादी का आज भी लगभग 70% लोग गांव में बस रहे हैं और सबको सबको स्मरण होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता ने एक बड़ा दायित्व उनके कंधों पर विश्वास के साथ सौंपा. हिंदुस्तान की आजादी के बाद यह पहला ऐसा व्यक्ति है उसमें देश के कोने कोने से उनका आशीर्वाद मिला देश की जनता का और विश्वास किया था कि गरीब का बेटा, उसकी मां और पिता, पिताजी चाय बेचने का काम करते, मां दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती है. भारतीय लोकतंत्र का कमाल है कि इस तरह के परिवार का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, प्रधान सेवक बनता है, कमिटमेंट करता है देश की जनता को, प्रतिबद्धता जाहिर करता है कि हम गांव के गरीबी में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करेंगे और गांव की जो बेसिक समस्या है उसके दूर करेंगे, विकास ले जाएंगे. गांव का लोग गांव में रहे, वही जीविका उत्पादन करे, उसकी समस्या देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक ने उसी दृष्टिकोण को रखते हुए न सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय जो गांव को के तरफ देखता है बल्कि अन्य दूसरे विभाग भी तो गांव के जीवन की जीवन गांव के रहने वाले लोगों के जीवन को ऊंचा करने का काम करता था, कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सोच से गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा. मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की आजादी के 70 वर्ष के बाद इस वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक धनराशि रखा है बजट के माध्यम से गांव के विकास के लिए.
लोग मिलाकर के 24 लाख करोड़ के बजट है, इसमें 14,34,000 करोड़ गांव को फोकस करते हुए रखा है, बिजली के लिए, पानी के लिए, शौचालय के लिए, सड़क के लिए, मकान के लिए, शिक्षा के लिए, जो बेसिक समस्या है ये सारा इतना गांव के किसान के हित के लिए। और इतनी बड़ी धनराशि आज तक किसी सरकार ने खर्च नहीं किया था, जो प्रावधान इस बात का हमारा विभाग जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जब हम लोग की सरकार थी, यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, कुल 50,000 से 52,000 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध होता था और अब 1,12,000 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध हुआ है, बढ़ते बढ़ते और सर पड़ा इस वित्तीय वर्ष में 1,12,000 करोड़। और इस केवल ग्रामीण विकास का ही पंचायती राज पर मैं कह रहा हूँ, ग्रामीण विकास में पंचायती राज जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी इलेक्टेड बहने हैं, तो आपने कहा कि उनको कोई पावर ही नहीं है, ये पंचायती राज का अलग से घोषणा होगी और अलग से बजट है। हमारे ग्रामीण विकास विभाग में जो हम देख रहे हैं वह है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो मनरेगा का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला जाता है ये योजना को देख रेख करता है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस योजना को जो पेंशन इत्यादि की जो व्यवस्था होती है, विकलांग है, विधवा है, वीडियो है, ये सारा व्यवस्था। और इसके अलावा गांव के ग्रामीणों को ट्रेनिंग सेंटर खोल करके उनको ट्रेनिंग देना है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना है, सारी व्यवस्था देखती है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम। मैं समीक्षा किया दिन भर, बहुत लंबा समीक्षा बैठक की है, मैं विस्तार से जानकारी ली, यूटी गवर्नमेंट जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या कार्यक्रम चला कर रही है लोगों के विकास के लिए, और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो पैसा है उसका कैसा उपयोग हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान जो शासक हैं, हमारे उन बीच के प्रशासक हैं, कोई बाहर के नहीं, पहली दफा कोई IAS ऑफिसर नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का लोग आया है जो अपने विजन से काम कर रहा है। मुझे लगा मेरा समय नहीं है जो मैं विस्तार से चर्चा करता, बहुत सारा काम किया, आप खुद भी बोल रहे हैं इस बात, 2 साल के लगभग उनके होने जा रहे हैं, यहाँ के प्रशासन ने प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुकूल काम किया है और गांव के विकास पर फोकस किया है। छोटा छोटा प्रदेश है कुल मिलाकर के, यहाँ दोनों जिला मिलाकर के लगभग 2,25,000 आबादी, 2,50,000 ये आबादी है, इसमें कोई अस्थायी है वो अस्थायी है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए अभी हम इंडस्ट्रीज है, काफी बड़ा स्कोप है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, 6,000 मुझे पहली बार मालूम हुआ कि 6,000 इंडस्ट्रीज काम कर रहा है, तो मझोले और छोटे और बड़े मिला के बहुत है, 3,000 यहाँ, 3,000 सिलवासा, 6,000 6,000 उद्योग लगे हैं, उसमें बाहर के लोग बहुत सारे लोग आए, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, बाहर के लोग हैं, तो उसके लिए भी यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, आपकी सरकार की उपलब्धि है, कितना बड़ा काम होगा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद तो लोगों को डिमांड होगा मेडिकल कॉलेज खुले, कोई तो सरकार नहीं था, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम आपकी सरकार की, प्रधानमंत्री जी के सर ने बड़ी कृपा की है, नर्सिंग होम, नर्सिंग ट्रेनिंग का सेंटर खोलने का काम, 22 हाई स्कूल का निर्माण किया, 1,85,185 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा, मैंने बिल्डिंग का जो रूपरेखा देखा, प्राइवेट स्कूल का भी बिल्डिंग बसाने का काम हम तो नहीं देखा, हम तो 5 मीटर में MP हैं, देश के विभिन्न देश के राज्यों में गए हैं, भारत सरकार का मंत्री भी अभी लंबे अनुभव है, ये सब कुछ काम हो रहा है।
विकास होता है तो कहीं कहीं कुछ परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे मित्र साथी ने कहा गांव के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे लोग बेघर हो रहे हैं, ठीक है, चिंता का विषय, इसका सलूशन अगर वो फट रहे हैं तो उनको बसाने का भी काम करना चाहिए। गरीब लोग हैं, झोपड़ पट्टी में रहते हैं, उसके लिए तो निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि सरकार ने यहाँ जो गरीब लोग हैं इनके पास जगह नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की व्यवस्था करानी है, सड़क ये जमीन नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके देने का काम किया जा रहा है। मैंने देखा कि 1,20,000 रुपया भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे रही है यहाँ की सरकार, और 1,20,000 रुपया यहाँ की सरकार खुद से लगा दी, 2,40,000 राशि से मकान बन रहा है, कम बात नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में गया हूं कहीं इस तरह का स्कीम नहीं चल रहा, तो ये तो काम हो रहा है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और भी कई यहाँ के टूरिज्म को डेवलपमेंट कराने के लिए भी कई योजना का जिक्र किया जो हमको प्रेजेंटेशन में दिखाया गया। तो मैं समझता हूँ कि काम हो रहे, विकास का काम हो रहे हैं और यहाँ के अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों की समस्या दूर हो, कई पुल का निर्माण जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो भी मुझको बताया गया कि पुल सेंक्शन हो गया, काम भी प्रारंभ हो गया। कई बहुत सालों से जितना पड़ी हुई थी उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं था, उसको किया गया। यहाँ ODF हो गया, सबसे बड़ी बात यह है, एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, और ये अच्छा काम हुआ है मैं समझता हूँ कि, और यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के सहयोग लेकर के भी शौचालय का निर्माण करवाने का काम किया है। अच्छा 40,000 से 45,000 की राशि लग रही थी उसको व्यवस्थित ढंग से काम कराने का कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्र का स्थापना पहले से किया गया उसको मॉडिफाई करने का काम किया गया, पहले की अवस्था और अब की अवस्था में काफी खाने का जो मिड डे मील के माध्यम से जो खाना दिया जाता था बच्चों को उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव करके सेंट्रलाइज व्यवस्था करके और सप्लाई करने की व्यवस्था की जा रही। तो गरीब तबके के लोग थे, बाहर से लोग आए थे, मजदूर लोग, उनके उसके यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं था। मुझे मालूम हुआ है कि चाली में 10-10, 20-20 लोग रहते थे और उनका बड़ा शोषण होता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने अलग सी योजना उन लोगों के लिए आवास योजना बनाने का काम किया है। सस्ते दर पर खाना देने का 5 से 10 रुपये में मजदूर लोगों को खाना मिले, गरीब लोगों को जो है फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए व्यवस्था करने का काम किया है। इस तरह काम तो हो ही रहा है। अब आपने कुछ एक चीज की जानकारी दी है, निश्चित तौर पर मेरा मंत्रालय, भारत की सरकार, आपकी सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं समझता हूँ कि जिस सपनों को लेकर चल रहे हैं कि हम 2022 तक नए भारत के निर्माण कराएं, तो यहाँ की शासन व्यवस्था उस सपने को पूरा करना चाहती है। अभी मुझे प्रसन्नता हुई 2019 तक 1 करोड़ हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मकान देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके लिए धनराशि भी उपलब्ध कराया। पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आज 45 लाख से अधिक मकान का निर्माण हो चुका है। यहाँ का जो टारगेट था ये कह रहे थे कि कुल मिलाकर के जो यहाँ का गरीबों को जो चिन्हित किया गया है 2001 की जनगणना के माध्यम से, SSC के माध्यम से जो लोगों का चयन किया गया है, कुल मिलाकर के 6,000 ऐसे लोग हैं जिनको मकान का निर्माण कराना है प्रधानमंत्री आवास से। उन्होंने कहा है कि साहब हमने प्लान किया है कि जो 2022 तक का जो टारगेट है हम 2019 में उसको पूरा कर देंगे, और ये बहुत बड़ा प्रगति एग्जाम्पल होगा इससे। अगर वो काम जो 2022 तक करना प्रधानमंत्री ने कहा है, 2022 तक हिंदुस्तान का जितना गरीब है तो SSC के दायरे में आता है, सबका मकान बना देंगे, वो टारगेट दिया आपकी सरकार, आपका प्रशासन 2019 में कर रहा है, तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार साहब, आप अच्छा काम कर रहे हैं कि 6,000 गरीबों को आप 2019 तक के मकान आवंटित कर देंगे। तो ये सारा कुछ काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि समय का अभाव है, लंबा नहीं चाहते हैं, 2019 सबका टारगेट। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप देख रहे होंगे जितने स्वार्थी लोग हैं, जितने सत्ता के भोगी लोग हैं, करप्शन से और परिवारवाद से ग्रसित लोग हैं, नरेंद्र मोदी के हटाने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान का फिगर देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कसूर कुछ नहीं किया,
कसूर एक ही हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की, वो गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं और निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक उसके लिए काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के प्रमुख। पूरे चार साल के शासन में कहीं कोई करप्शन का चार्ज किसी भी मंत्रालय के ऊपर नहीं लगा है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम अगर गरीबों का कर रहे हैं। एक गरीब घर का बेटा है, उनको पच नहीं रहा, लोगों सीढ़ी में दर्द हो रहा, ये गरीब घर का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बना? क्योंकि कुछ लोग तो वर्चस्व बना के रखने का काम किए थे, खानदान दर खानदान राज करने का काम किए, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। एक गरीब घर का बेटा, पिछड़ा समाज का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जनता की कृपा से बना, इन लोगों की कृपा से नहीं। तो लोग आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इलाज हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या देश के अन्य भागों में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, सारे जो विपक्ष के लोग थे डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट पर एक दूसरे से लड़ रहे थे, सब इकट्ठा होकर के नरेंद्र मोदी को हटाओ ये अभियान में तो लगा हुआ। इससे हम जो जो काम किया है उसको जनता तक पहुंचाइएगा, उसका लाभ मिले। जनता तक नहीं पहुंचाइएगा उनको लाभ, उसका लाभ नहीं मिले। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए कई स्कीम है, चाहे वो पेंशन स्कीम की चर्चा किया या अभी देखिए कितना बड़ा काम निर्णय होने जा रहा है, 2 से 3 महीने के अंदर काम लग जाएगा। 5 लाख रुपए तक की राशि का गरीब को पैसा भी लगेगा, किसी हॉस्पिटल में जाकर के सिर्फ एक कागज मिलेगा, उसके आधार पर इलाज करेगा, बहुत बड़ी बात है क्या? हिंदुस्तान की आजादी के बाद न जाने कितने प्रधानमंत्री जी आए, किसी भी गरीबों की चिंता नहीं। देश और दुनिया में इस तरह कोई स्कीम नहीं है जिसकी चर्चा में नहीं किया, और 50 करोड़ लोगों को फायदा मिल जाए, 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग। जिस गरीब के घर में पैसा नहीं था, पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाता था, उसके उसका परिवार में जो बढ़ जाता था उसकी चिंता बना करते थे, एकदम बड़ी बात पड़ी है। और 50 करोड़ लोगों को दिया जाए, पता है 2 से 3 रुपए किलो जो अनाज उपलब्ध हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर, एक एक किलो में 18 से 20 रुपए तक का सब्सिडी ग्रांट दे रही है भारत सरकार, 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल नहीं मिल रहा है, 20 रुपए 22 रुपए दाम है चावल, 18 रुपए 19 रुपए गेहूं का दाम, और भारत की सरकार 2 से 3 रुपए में दे रही है। कितने लोगों को दे रही है? 80 करोड़ लोग, 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को पैसा, 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी ग्रांट, कितना 1000 करोड़ का खर्च कर, एक हम बड़ी बात है क्या? 18000 गांव में अगर बिजली नहीं गया था आजादी के बाद, 18000 गांव में बिजली चला गया, आपको घर में बिजली जा रहा है, वैसे लोग जिनके पास कनेक्शन के लिए पैसा नहीं था उनको फ्री में कनेक्शन दे रही है 4 करोड़ लोगों को, एक हम बड़ी बात है क्या? गरीब महिला जिनके यहाँ जिनका आंख धुएं से खराब होता था, जिनके शरीर की बीमारी आ जाता था, सब लोगों के घर में हाथ में, गरीबों के हाथ में गैस का कनेक्शन फ्री में मिल गया, इतना बड़ी बात है क्या? 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को मिला है, 8 करोड़ लोगों को देगा काम कर, सब तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हर घर में जल जाए, नल से पानी जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, सरकार चला गई। मैं समझता हूँ कि अनेकों ऐसे कार्यक्रम, 12 रुपये में कोई इंश्योरेंस स्कीम होता है क्या? 330 रुपये का इंश्योरेंस स्कीम होता है क्या? गरीबों को फोकस पर रखकर के प्रधानमंत्री जी की गरीबी को देखा है, यही हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जिसने गरीबी को भोगा है, पढ़ा नहीं है, राहुल गांधी गरीबी पढ़ रहा है, नाटकबाजी कर रहे हैं, सोना के चम्मच में पैदा भी करके और देश के गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, किसान का अपनी भाषा उनको पता नहीं है, कभी किसानी की है क्या? फिर हर कैसे गरीब जोतता है, खाता है ट्रैक्टर के माध्यम से, कभी शरीर का एक अंग कभी धूप में गया है क्या? वो आदमी क्या एहसास करता है? ये तो आदमी खुद पूरी जिंदगी को मिटाया, गंदे से खपाया है गरीबों के लिए, गरीबी में रहकर उसने देखा है, पीड़ा देखा है गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए किसान के लिए काम कर रहा है, लोगों को परेशानी पड़ी और ईमानदारी के स्तर पर काम कर देश के व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। इसलिए तमाम शक्तियां तमाम ताकतें जिनका अपना कोई नेता नहीं, मारा मारी हो रहा केवल निंदा करने के लिए, उनका कुछ होने वाला भी नहीं, जनता सब देख रही है, इनके बहकावे में कभी आने वाला भी नहीं हिंदुस्तान में। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के बड़ा चुनौती है, बड़ा चैलेंज है, पार्टी के कार्यकर्ता है,
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही सब कुछ निर्भर करता है। कार्यकर्ता ही किसी संगठन का दृढ़ होता है, कार्यकर्ता के बगैर कोई संगठन चल नहीं सकता है। इससे हम सब लोगों पर आज एक साथ कर्तव्य और राजनीति की कोशिश करें, सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। यही तो सुन रहे कि नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा है, ये कोई बात कर रहे इसलिए कि एक ईमानदार सेवक के रूप में काम कर रहा है, इसका पूरे गरीबों के लिए यही अगर कसूर है तो करीब करोड़ तो करते रहे नरेंद्र मोदी। हम भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य कमिटमेंट है देश की एकता को, देश की इसके उद्देश्य को जो कर रहा है, देश को जो पार्टी की कोशिश की जा रही है, हमारा पहला कमिटमेंट है भारत माता की रक्षा करना। तो भारत माता की रक्षा के लिए हमको शहादत देना पड़ेगा, तो हमको शहादत देने को तैयार है। कभी भारत माता के ऊपर कभी आंच नहीं आने दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समर्पण भाव से काम किया है और हम उसी समर्पण भाव से काम करेंगे। हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, हम देश के आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और हमारा संगठन प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। सत्ता के लिए राजनीति नहीं किया है उन्होंने, बल्कि सत्ता के माध्यम है जनता की सेवा करना और देश की ताकत को मजबूत करना, वो हमारा नैतिक दायित्व है। इस नैतिक दायित्व को पूरा करने के लिए हम लोग आगे आए। इसके साथियों, हम आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपने जो समस्या का जिक्र किया है आगे रखी, और हमारे प्रिय मित्र निश्चित तौर पर हम ध्यान आकर्षित करवाएंगे यहाँ के शासन व्यवस्था को। और केंद्र से कई ऐसा आपने बताया ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है, कोई विभाग नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने कुछ कमी भी देखा है। समीक्षा बैठक के माध्यम से उस कमी को भी दूर करने के लिए सारे अधिकारी जो बैठे थे और हमारे यहाँ के शासक को बैठे थे, निश्चित तौर पर उस कमी को दूर करने के लिए हमने आग्रह भी किया है। ये पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जो कमी हो उसको दूर करेंगे और जो गति से काम यहाँ की सरकार कर रही है, यहाँ का शासन व्यवस्था कर रहा है, निश्चित तौर पर हम सब लोग को सहयोग करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और जहाँ कोई कमी है उसको निश्चित तौर पर बताना चाहिए। लोकतंत्र ठीक रहता है और आपने कहा पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत कोई पावर नहीं है, तो इस पर भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करा करके इनको शक्ति पावर मिले व्यवस्था करके जैसे पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से 488 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंचायतों के विकास के लिए भारत की सरकार चौथी वित्त आयोग एवं संसार के आयोग में वाक्य माध्यम से नहीं हो रहा है। मुझे पहले से कभी ये जानकारी नहीं थी, ये तो इलेक्टेड बॉडी है, उसी के माध्यम से जो यहाँ सरपंच रहता है ना, पंचायत सरपंच के माध्यम से ही उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। पैसा सरपंच के अकाउंट में जा रहा है और सरपंच को पूरे तौर पर स्वतंत्र है कि गांव के जो डायरेक्टिव है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या काम करना है, उससे पूरे तौर पर फ्रीडम है उसको कि वो अपना गांव का विकास करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ के यदि साहब से मैं बात करूंगा, से बात करूंगा और डिपार्टमेंट का भी ध्यान पंचायती राज व्यवस्था डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही हो, और बात है कि मैं नहीं देखता उसको, मगर हमारे मंत्री तो एक ही है, ग्रामीण पंचायत पंचायती व्यवस्था को देखने वाले मंत्री हमारे एक ही है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा और यहाँ भी कुछ सजेशन देना पड़ेगा तो जरूर देंगे। इसलिए चुनाव हो जाए और कोई काम का पंचायत का प्रति न हो तो चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर आपकी चिंता का दूर करने का प्रयास करूंगा। आप सबको कम समय में, मुझे विलम्ब हो गया आपके बीच में आने में, यहाँ से और भी आगे जाना है, विलम्ब इसलिए हो गया कि मैं लंबा थोड़ा बैठक ले गई कि सघन जानकारी हमको चाहिए थी। दमन द्वीप में पहले जब आया था बहुत कुछ की जानकारी नहीं थी, बहुत कुछ की जानकारी मिल गई, बहुत कुछ की जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों को नहीं थी, उसको मैंने देने का काम किया। तो मेरा जो मकसद था वो ये था कि इनकी समस्या को जाने उसको दूर करें। मैंने इनको अश्योर भी किया है कि आपको केंद्र से, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, हमारे उनके बीच में कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ज्यादा दायित्व होता है भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसको जमीन पर लागू करे। और जो प्रधानमंत्री जी का सोच है गाँव गरीब किसान मजदूर नौजवान इसके विकास में हम उनका अदा करें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार
काम कर रही है और भी तेजी से काम करेगी ताकि 2022 में नए भारत के निर्माण का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो सपना साकार हो सके और ये इलाका खुशहाल हो सके, ऐसे मेरी कामना भी है, शुभकामना भी है। आपका संगठन और मजबूत हो, संगठन के बगैर कुछ नहीं होता है। संगठन किसी भी पार्टी का या किसी सरकार को बनाता है, पार्टी बनाता है, पार्टी कौन बनाता है, मजबूत करता है संगठन के कार्यकर्ता आपके जैसे लोग जिसको मजबूत करते हैं, तो एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। और संगठन का भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का महत्वपूर्ण रोल है और संगठन ही सबसे ताकतवर होता है, इससे संगठन और हम सब कार्यकर्ता जो लोग हैं मिलकर के संगठन की ताकत को और मजबूत करें और 2020 में जो चुनौती हमारे सामने है उसका मुकाबला हम सब लोग मिलकर के सारे समस्याओं को देखते हुए, चूंकि आप समस्या पर चिंतन मंथन करते रहे हम जरूर करें और दुश्मन को परास्त करने के लिए हम सब लोग ये दो सीट हमारा है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों सीट हमारा है, इन दोनों का दोनों सीट हम लोगों को 100% ज्यादा वोट से जीता के जाए अभी तभी हम लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सही कार्यकर्ता हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है जो हिंदुस्तान के कई राज्यों में अपना परचम भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर ऊपर तक फैलाने का काम किया है, यहाँ भी आगे 2019 में फैले इसके लिए हम सब लोग प्रयास करें। आपका आप सभी अदल की सही सभी कार्यकर्ताओं के प्रति माननीय दोनों सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस विश्वास के साथ कि मौका लगेगा शायद દમણ શહેરમાં એક જ સીએનજી પેટ્રોલ પંપ છે? હા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તક ઉદ્ઘાટન થયેલું દમણ શહેરમાં એકમાત્ર સીએનજી પેટ્રોલ પંપ એટલે ઇન્ડિયન ઓઇલનું ઈ નસરવંજી પેટ્રોલ પંપ। દમણ, સેલવાસ અને આજુબાજુના વિસ્તારની સમસ્યાઓ જનમંચને જણાવી શકો છો। અમારી મેલ આઈડી jnmanch11@gmail.com, ફેસબુક અને યુટ્યુબ પર જનમંચ દમણ ટાઈપ કરી જન સમસ્યાઓ જણાવી શકો છો અથવા નીરવ ભટ્ટને મોબાઈલ નંબર 9228105414 પર પણ સંપર્ક સાધી શકો છો।